हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज भास्कर एंड आप देख रहे हो ए डेविड भास्कर एंड अभी मैं जा रहा हूँ सानडुबी लेक जो कि 60 किलोमीटर दूरी पे है गुवाहाटी से एंड इट्स ए नेचुरल ब्यूटी। एक्चुअली वो लेक जो है वो नहीं था पहले, अभी जो है लेक बन चुका है आफ्टर अर्थक्वेक। जो असम में अर्थक्वेक आया था 1898 के बाद ये लेक बन चुका है। तो अभी जाऊँगा एंड आपको दिखाऊँगा। अगर देखना है ये फुल वीडियो भी देखते रहिए। एक्चुअली आप लोगों को तो मालूम है माँ कामाख्या टेम्पल के बारे में। तो एक्चुअली सोचा था कि जो ऑन दी वे जो सानडुबी जब जाएंगे देन आपको जो है कामाख्या की टेम्पल जो है मतलब रास्ते पे ही पड़ता है। तो इसलिए सोचा कि कामाख्या थोड़ा देख के जाऊँ। एंड ये जो है नीलाचल जो है हिल में है, नीलाचल हिल। तो मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे जो है पूरा का पूरा गुवाहाटी है। मैं आपको पूरा का पूरा वो दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए आउटस्कर्ट एरिया ऑफ गुवाहाटी, ये पूरा आउट स्टेशन है। ये कामाख्या पूरा फुल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे जो NFR बोलते हैं उसका हेड ऑफिस है, ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको। एंड वो जो है पूरा ये जो पूरा रेल ट्रैक है एंड ये रास्ते ये बाईपास तक जाता है एंड वो ये जो पहाड़ी इलाका है उससे उस तरफ जो है पूरा सिटी पड़ता है। तो आपको दिखाता हूँ, ये है व्यू पॉइंट इस तरफ से आपको आफ्टर 500 मीटर यू रीच कामाख्या टेम्पल। This is the back side and you have to come from front side and you can't go easily actually. मैं नहीं जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा, इधर से आऊंगा एंड बाहर जो है धूप अगरबत्ती वगैरह लगाएंगे एंड चला जाएंगे। That's it. अब पूरा पार्क की अगर पैरा लेने तो आपको मेरे पास जाना पड़ेगा। अभी देखिए जंगल है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया। ये देखिए 22 किलोमीटर अभी जाना है सानडुबी लेक 22 किलोमीटर। यहाँ पे ये रास्ता है, ये रास्ता का हालत देखिए पूरा जो है जंगल है यहाँ पे, ये पूरा इलाका है फॉरेस्ट एरिया है एंड यहाँ पे देखिए ये भी एक व्यू पॉइंट है। तो अभी चलते हैं। सानडुबी लेक पहुंच चुका हूं अभी। यहां पे देखिए ये लेक पूरा सुंदर है, बढ़िया बढ़िया सा जो है नाव है यहां पे
लोग जो है बोटिंग कर रहा है, अभी संडे है इसलिए लोग जो है पिकनिक के लिए भी आया है, तो उसका जो है फैमिली ट्रिप आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कैसा है, नाव वगैरह बहुत सुंदर से है एक्चुअली। आप अगर कैंपिंग भी करना चाहते हो तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे टेंट वगैरह तो जूमिंग अगर होता है तो टेंट, तो यहाँ पे देखिए टेंटिंग वगैरह हो रहा है दूर वहाँ पे, तो टेंटिंग हो रहा है। तो लोग जो है नाव भी चला रहा है, तो टेंटिंग मतलब जो है कैंपिंग भी कर रहा है, तो वहाँ पे तो आप लोग भी आके जो यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए कलरफुल यहाँ पे बोट वगैरह है, तो एंड ऑल्सो लोग जो है बोटिंग वगैरह कर रहा है यहाँ पे। इट्स ए ब्यूटीफुल नज़ारा। And you can do boating over there. This is the boat and you can collect the tickets from these people, and per person they are taking 50 rupees I think, and they will go to that area. I think it will be like 200 meter from this place, and they will give a round and come back over here. इट्स 3:30 अभी जो है गुवाहाटी जा रहा हूँ। ये 33 किलोमीटर दूरी जाना है एक्चुअली फ्रॉम संडुबी लेक, ये जो है 60 किलोमीटर आई थिंक होने वाला है। एंड अभी जो है लंच भी नहीं किया हूँ इसलिए थोड़ा होटल में खा के चला जाऊँगा। एंड अगर आपको आना है तो कुछ जो है खाने के लिए खुद इंतज़ाम जो है करके आइए, क्योंकि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट यहाँ पे नहीं है। आई थिंक यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर लाइक किया देन शेयर करो भाई, एंड लाइक जो थम्स अप बटन दबा दो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।